समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन चार सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। जुड़े सभी सदस्यों और देश के नागरिकों के तरफ से स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन संबोधन के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम नम्र अनुरोध करते हैं। सर नमस्कार। मुझे आज देश के अलग अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ। सरकार के प्रयासों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ साथियों को आज सम्मानित करने का सौभाग्य सरकार को मिला है। आप सभी को जन औषधि दिवस की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला कभी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को मध्यम वर्ग को करीब 5000 करोड़ रुपए बचे हैं। और जैसा भी आपने वो वीडियो में देखा, अब तक करीब 13000 करोड़ रुपया बचा है, सब मिलाकर के 13000 करोड़ रुपया बचा है, तो पिछले बजट से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13000 करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में। यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत 11 विशेष उड़ानों से जरिए 2000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इन्हें मिलाकर 22 फरवरी से जारी ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 15900 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। बाहर निकल चुके भारतीय, भारत सरकार ने उन्हें जो है वहां से निकालने का काम पूरा कर लिया और लगभग स्वदेश पहुंचाने का भी काम पूरा कर लिया। सबसे पहले मैं आपको फ्लाइट्स के बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूंगा कि रोमानिया से अब तक तकरीबन 7000 जो लोग हैं उनका इवैक्यूएशन किया जा चुका है, जो यूक्रेन बॉर्डर से मोल्डोवा और रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचे। तो वैसे जो 7000 लोग हैं तकरीबन वो छात्र हैं, उन्हें जो है भारत भेजा जा चुका है। और आज जो है अभी से थोड़ी देर के बाद जो है बुकारेस्ट से एक फ्लाइट जो है वो भी दिल्ली के लिए रवाना होगी, जिसमें तकरीबन 175 के आसपास जो छात्र हैं वो जाएंगे। और इस वक्त कोर्ट में मौजूद हूं और जो पिछले शेल्टर होम में जो है यहां पर
भारतीय उच्च आयोग ने और रोमानिया के लोगों ने जो है यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था की थी और अब जो है ये लोग रोमानिया 11 बजे वहां की बात करें तो तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है एयर इंडिया लेकर के दिल्ली के लिए रवाना होगी जो कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने लोकहित से जुड़े विषयों पर सरकार से जवाब मांगा। इससे पहले भाजपा विधायकों ने स्थानीय नीति की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और सरकार से स्थानीय नीति को स्पष्ट करने की मांग की। मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल के दौरान आजसू पार्टी के विधायक सुदेश महतो ने विस्थापन का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को जानकारी दी कि विस्थापकों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन करना चाहती है। तो सेम सवाल है तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री का जवाब ठीक एक साथ सबका जवाब हो जाएगा। किया जाए महोदय, आप बीरेंद्र सिंह नारायण जी को भी एडवांटेज मिलेगा, धुरू जी को भी एडवांटेज मिलेगा, सुरेश जी को भी मिलेगा। चलिए ठीक है। देख महोदय, ये बात सही है कि विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या है और क्योंकि यहाँ खनन कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और भी कई विकास योजनाएं भी चलती हैं, इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं। देख महोदय, और इस विषय को लेकर सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है, इस विषय का समाधान, इस समस्या का समाधान सरकार निकालेगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए विस्थापन आयोग का जो विषय है वो सरकार के पास विचाराधीन है, इस पर जल्द। भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि जेएसएससी की मैट्रिक एवं इंटर स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी विषय 120 अंकों का पहले से ही निर्धारित है और इसमें उत्तीर्णता का अंक 30% है, इसलिए इसे दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अधिकांश हिंदी भाषी ताकि इसमें हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। को आरक्षण, भाषा को लेकर विवाद, स्थानीय नीति को लेकर विवाद, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर सरकार राज्य में कैसे लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार प्राप्त हो। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने अनुबंध कर्मियों के लिए नियमावली बनाने की मांग की। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अनुबंध कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बना रही है। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने राज्य में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की है। जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़े और सभी को अधिकार मिले, इसके लिए अन्य राज्यों की आरक्षण नीति का अध्ययन कर सरकार राज्य की परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेगी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36% से 50% करने की मांग करता हूँ। बिल्कुल नीतिगत मामला है महोदय, मामला नीतिगत है लेकिन आप एकदम सब्जेक्टिव नहीं है, 36 से 50 तक में है यहाँ पर। ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को लेकर मुझे लगता है विपक्षों ने पूरी भूमिका तैयार कर ली है कि इस पर पूरी तरीके से राजनीति करना है। और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का नैतिक अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। श्री महतो आज विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर सीधे तौर पर भी अपनी बातों को रखा, लेकिन इस विषय पर राज्य सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा।
इस मौके पर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि पार्टी ने राज्य सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए 14 अप्रैल तक का समय दिया है। उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात भी कही। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंचे हैं। पर रोका जाए, उसके लाख प्रयास के बावजूद भी आज हजारों कार्यकर्ता इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो डिमांड है वो हर हाल में पूरा होना चाहिए, झारखंड के लिए पूरा होना। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 4,362 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 54,118 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि सैंपल जांच में 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में अब कोरोना के कुल 233 सक्रिय मामले शेष हैं। इस बीच संक्रमण के हालात में सुधार को देखते हुए प्रदेश के 7 जिलों में आज से पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी और निजी स्कूल में बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। ये जिले रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालयों में कक्षा संचालन बंद था। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देशभर में बिना रुके बिना थके टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देशभर में 1,78,00,00,000 से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज से 12 मार्च तक 6 जिलों साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, वार्ड कार्यालयों सहित विभिन्न केंद्रों पर फाइलेरिया की दवा दी जा रही है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने एक कार्यक्रम में खुद दवा खाकर फाइलेरिया उन्मूलन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। श्रीमती मिश्रा ने लोगों से खुद दवाई खाने और दूसरों को भी खाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सभी लोग सामने में दवा खाएं, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के सामने में आज फाइलेरिया मुक्ति अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में, जिसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग कहते हैं, यहां पर स्वयं उपायुक्त महोदया ने दवा खा करके ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के सामने में डीईसी की 3 गोली और अल्बेंडाजोल की 1 गोली को स्वयं लेकर के एक उदाहरण पेश किया है पूरे जिले के लिए और एक प्रेरणा का यह स्रोत बना कि यहां के सारे नागरिक जो हैं वो सामने में ही दवा खाएं, यानी जो सहिया दीदी, सेविका दीदी, नर्स दीदी जो आपकी हैं। रामगढ़ सदर अस्पताल में फाइलेरिया मुक्त दवाई खाया हूँ और ये रामगढ़ सदर अस्पताल के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। रामगढ़ जिला को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए सबसे अच्छा कदम है। दवा यहाँ पर फाइलेरिया की दवाई रामगढ़ सदर अस्पताल के सारे डॉक्टर की टीम के सामने सभी को खिलाया जा रहा है। इधर बोकारो में भी फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जिले को फाइलेरिया से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। बेड रिटेन हो, पहले से क्रोनिक बीमारी हो, दवा खा रहे हो, तो वैसे मरीजों को हम लोग को देखते हैं। उसके अलावा गर्भवती महिला को हम लोग को, लेकिन यहीं पे जो
धात्री महिला जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिला रही बच्चों, उनको हम लोग को देना है। एकदम क्लियर रहना चाहिए, गर्भवती महिला को नहीं देना है, लेकिन जो धात्री दूध पिलाती होंगी महिला, वैसे लोगों को हम लोग को देना है। जिज्ञासा मन में आती है कि भाई ऐसा क्या है कि हर आदमी को लेना है, क्यों ना हम लोग चिन्हित कर करके लोगों को दें। तो ये इसमें एक, हालांकि मेडिकली तो और बेहतर तरह से सीए साहब इसको बता पाएंगे, लेकिन हम आपको इसमें ये दो तीन बातें जरूर बोले कि इसका जो इन्फेक्शन होता है उसका परिणाम तुरंत देखने को नहीं मिलता है। ये इस बीमारी का सबसे ज्यादा एक घातक कॉम्पोनेंट है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची के निदेशक प्रोफेसर डॉ शैलेन्द्र सिंह का आईआईएम लखनऊ स्थानांतरण हो गया है। पूर्व में भी वे आईआईएम लखनऊ में डीन रिसर्च के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। आईआईएम रांची में अब उनकी जगह प्रोफेसर बीके बाला लेंगे। तो भैया झारखंड में जो आईआईएम है, कम से कम झारखंड की तो सेवा करके जाए, बाकी और तो सब लोग अपना कर ही रहे हैं। तो ये ध्यान में रख के होगी जो बिरसा मुंडा सेंटर या अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर, हैप्पीनेस सेंटर, पर्टिकुलरली बिरसा मुंडा सेंटर हमने यहीं के लिए ध्यान में रख के खुला है। और जैसे बताया कि राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोपी रवि केजरीवाल को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने श्री केजरीवाल के जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश करने वाले रवि केजरीवाल को आज झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। आज माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने कुछ शर्तों के साथ रवि केजरीवाल को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसमें 25,000 के दो निजी मुचलके एवं जांच में सहयोग करने के शर्त के साथ अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड जमा करने का। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 12 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी रत्न गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्रीदत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी, इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में बहुमत मिला
और पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1955 को पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंत की मुख्य उपलब्धि थी। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञेय के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञेय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञेय को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञेय को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई। अज्ञेय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञेय ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय का निधन हो गया। महान भारतीय को श्रद्धांजलि। कोयले की निकासी से लेकर ढुलाई तक की प्रक्रिया को इको फ्रेंडली और सुरक्षित बनाने के लिए झारखंड में एनटीपीसी के पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना में एक नई पहल की गई है। यहां एशिया का सबसे बड़ा 21 किलोमीटर लंबा कोल कन्वेयर बेल्ट बनाया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 2500 टन कोयला प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह आसमानी सफर तय करते हुए भेजा जा सकता है। ये झलक है किसी मेट्रो लाइन की नहीं बल्कि झारखंड के बड़कागांव में बने एशिया के सबसे बड़े कोल कन्वेयर बेल्ट की। इसके माध्यम से कोयला खदान से निकलकर 21 किलोमीटर तक आसमानी सफर तय करते हुए बनादाग रेलवे यार्ड तक पहुंचेगा, जहां से कोयले की आपूर्ति देश भर में की जाएगी। बड़कागांव में ये एशिया का सबसे बड़ा कोल कन्वेयर बना है और इसी कोल कन्वेयर को पूरी तरह से यहाँ पे ढक दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कोयले की ढुलाई का काम किया जाएगा, ताकि जो आम लोगों को परेशानी होती थी कोयले की ढुलाई से, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। एनटीपीसी के पकड़ी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना के कार्यकारी निदेशक MBR रेड्डी बताते हैं कि इस कोल कन्वेयर बेल्ट के फायदे ही फायदे हैं। एक तरफ जहां सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई में समय की बर्बादी होती है, प्रदूषण फैलता है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, वहीं इससे इको फ्रेंडली तरीके से कोयला अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पर्यावरण का इससे देखेंगे नजरिया से ये बहुत ही मतलब पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जब हम कोयला का ढुलाई ट्रक से करते हैं, नेचुरली जो रोड यूजर्स हैं उनके लिए तो इनकन्वीनियंस होता ही है, जो धूल उड़ता है एंड उसके जो एक्सीडेंट्स होने का संभावना है, ये सब परेशानी उनसे दूर हो जाएंगे। खदान क्षेत्रों और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण एक आम समस्या है, लेकिन यहाँ उससे बचाव के इंतजाम भी रखे गए हैं। एनटीपीसी के द्वारा जो कोयले उत्खनन का काम यहाँ पर हो रहा है, उसमें किस तरीके से पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जब कोयला निकाल लिया जाता है तो उसके बाद इस तरह से यहाँ पर जमीन पे धूल उड़ने लगता है, तो लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए बकायदा यहाँ पर पानी के टैंकर के द्वारा इस तरह से पानी का जो छिड़काव किया जाता है ताकि डस्ट नहीं उड़े। उन्होंने कहा कि कन्वेयर बेल्ट शुरू होने से रोजगार में कमी की आशंका निराधार है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के संचालन और रखरखाव के लिए भी बड़ी संख्या में मानव श्रम की जरूरत होगी। इन सभी कार्यों में स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। कुछ लोगों का मन में ये शक रहता है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट चालू होता है तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट को चलाने में एंड उसका मेंटेनेंस करने में इसमें भी बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ती है एंड जो भी इस पे काम करेंगे सब लोकली लोग होंगे। झारखंड में कोल कन्वेयर बेल्ट से कोयले की ढुलाई एक अभिनव प्रयोग है। इसकी सफलता कोल हैंडलिंग प्लांट एरिया के आसपास में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बचाने में मददगार साबित होगी।
साथ ही यह परंपरागत धुलाई में आने वाली लागत और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। पकरी बरवाडी का ये बड़ा कोयले का खदान है, जहां से प्रतिदिन 35,000 मेट्रिक टन कोयला निकाला जाता है, और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कोयले का जो कन्वेयर है उसके जरिए जो एनटीपीसी का जो पावर यूनिट्स है वहां पर कोयला पहुंचाया जाता है। और देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से गतिविधियां हैं, यहां पर इस तरह से ये डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, जहां पर जो ऊपर के जो लेयर्स होते हैं उनको निकाला जाता है, और उसके बाद जब कोयला निकाल लिया जाता है इस तरीके से, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर 110 मीटर तक कोयला निकाला गया है, और पीछे जो ये आपको बेरंग पहाड़ दिख रहे हैं वो बाकायदा फिर इन लोगों ने फिलिंग करके उसे तैयार किया है, और आने वाले दिनों में इसे एक ग्रीन एनवायरमेंट के रूप में भी डेवलप करेंगे। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बरवाड़ी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है आरएनयू डीडी की। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और संचालकों से किया संवाद, कहा सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सरकार शीघ्र ही विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए करेगी विस्थापन आयोग का गठन। राज्यभर में कोरोना के मामले में आई कमी, 13 जिलों में नहीं मिले मरीज, टीकाकरण कार्य प्रगति पर। और राज्य के 6 जिलों में शुरू हुआ फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, स्वास्थ्य उपकेंद्रों सहित विभिन्न केंद्रों पर खिलाई जा रही है मुफ्त दवा। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार, नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में जो वर्तमान दौर है उसमें जो हमारी आधी आबादी है यानी महिलाओं की आबादी है, आधी आबादी का बड़ी ही तेजी से रोजगार और स्वरोजगार सृजन में दस्तक बढ़ रहा है। हमारे देश में स्वाभाविक रूप से जैसे ही
रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि होती है